अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड, माशाल्लाह से आप लोग पाशा पेट्स वर्ल्ड की आज वीडियो देखने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी के जानवर बताने वाला हूं और स्पेशली यहां पर मदुरई कर्नाटक रामपुरी का स्टॉक ज़्यादा आता, बड़े मंडे आते स्पेशली कुर्बानी के साइज के जो अच्छे शौकीन लेते। अभी हम सारी डिटेल बात करेंगे पाशा भी से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से पाशा भाई? पाशा भाई एग्जैक्ट लोकेशन बताइए यहाँ का। दबीरपुरा नागाबोदी पे अपना एड्रेस है। दबीरपुरा स्कूल के पास अगर कोई आ रहे हैं तो अपन पिकअप कर लेंगे। ओके, तो अभी आपके पास में कौन सा स्टॉक है आज अवेलेबल? अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह आज मदुरई है, जो मार्चल्ला है, मदुरई मार्चल्ला कर्नाटक है जी जी, और रामपुरी है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपके पास में जो बाहर कर्नाटक है उससे स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रामपुरी है, सॉरी ये एक रामपुरी है। देखिए अच्छी क्वालिटी का, स्पेशली हथियार की क्वालिटी देखें आप लोग, माशाल्लाह सिंग देखें, बिल्कुल जॉइंट सिंग है ना ये। सामने से एक बार सिंग बता दो इसको, तो इसमें भारी सिंग मैं तो नहीं देखा अभी तक जी, माशाल्लाह। जॉइंट बोले तो एकदम जॉइंट, इसमें मेन की भी नहीं छोड़ा होने जगह जी, पूरी पूरी जॉइंट कर दिया, पूरी जॉइंट हुई है सिंग। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कोई देख रहे चीज़ तो अच्छा, अरे खेल के वीडियोस वगैरह भी चाहिए तो आप बता देंगे, मिल जाएंगे। क्वालिटी अच्छी है देखिए माशाल्लाह, और ऑलरेडी नाम करा सो है बोलकर बता रहे पाठ भी बगरा है। और क्या वेट होगा एक अंदाज़ा? वेट तो 45-48 के जी होगा, 45 से 48 के जी के आसपास। और लेंथ अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा टेक केयर सही नहीं हुई इन शाह। तकरीबन अभी 4 दिन हो गए जी जी, तो तैयारी हो जाता है इनशाला एक बजार जी हाँ। लेकिन कंडीशन में तो दिख रहा बगरा आप, तो क्या प्राइस कोट कर रहे हैं इसका? 24,500 कोट कर रहे हैं। 24,500 एकदम चीप प्राइस है जी, कंडीशन डाउन है इसकी जी जी। अगर कंडीशन में तो जी, ऐसे अगर चीज़ों की अगर कंडीशन में रहे तो खाली सिंह के हथियार के हिसाब से 30-35 की चीज़ है। हथियार की क्वालिटी देखें अच्छी है माशाल्लाह, ये प्राइस में कम भी कर देंगे ना, स्लाइडली नेगोशिएबल। ओके, तो नेक्स्ट में देखिए माशाल्लाह कच्ची चुन्नी खाते हुए आपको सेट एक कर्नाटक मिल रहा, और ये घर का पला हुआ है, अभी दो दांत फ्रेश लगा रहा है ना ये? जी फ्रेश अभी जस्ट लगाया, एक हफ्ता हुआ जी जी, एक हफ्ते के करीब हो गया दो दांत लगा के। क्या वेट होगा इसका? 45+ रहता, 45 kg+ बॉडी में है जी जी, और बाहर का बाजार का नहीं है जी, ऑलमोस्ट 3 महीने का था जब से लोग लेके पाले हुए। अच्छा, यानी घर का पला हुआ से सेट जानवर है जी। क्या आप पे अच्छा सेट है, और सिंग भी खींचे हुए ना इसके? खींचे हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत अग्रेसिव है जी, आए तो इसके लिए बता के देंगे। अच्छा, क्या प्राइस कोट कर रहे हैं इसका? 20,500 रुपये कोट कर रहे हैं। 20,500 क्वालिटी देखें आप लोग, पूरा ब्लैक है माशाल्लाह, पूरा जेड ब्लैक है ना ये? चंदा, अच्छा चंदा है, बाकी पूरा फुल ब्लैक। कटिंग करवा लेना है थोड़ी, कटिंग करवा लेना जी जी जी। ये पीछे का ये तलवार है अपना, बिलाई थी जी जी। फिर नेक्स्ट में देखिए माशाल्लाह यहाँ पर ये एक तलवार नाम का बकरा है, और पाशा भी क्या डिटेल्स है इसकी? अदंत है, अदंत बच्चा है अभी, दांत तोड़ रहा, दांत तोड़ा जस्ट जी जी जी, माशाल्लाह क्वालिटी जी, हथियार की क्वालिटी ना ग्रेड में विलायती है जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, माशाल्लाह है जी, क्वालिटी एक नंबर, बहुत बहुत क्वालिटी में है बच्चा, और आगे बनने वाला है ना ये? बिल्कुल, इसका चेहरा देखिए आप एकदम लपटा बने हुआ है, खेल के लिए भी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, या शॉप तो बहुत अच्छी चीज़ का है, बहुत अच्छा कर सकते हैं शॉप इसके जी जी। वेट गेन के लिए अच्छा रहेगा ना ये? बहुत अच्छा, लेती है पठानकोटी है जी, स्ट्रीम है। क्या कोट कर रहे हैं आस्किंग प्राइस इसका? तो मैं नॉट फॉर सेल रखा था सुनिया जी, लेकिन अभी जो है अपने पास सीजन शुरू हो रहा है, जानवर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जी जी, आप अभी सीजन स्टार्ट होने वाला, तो बड़े जानवर ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास, तो इसकी वजह से इसको भी सेल कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में अपन वीडियोस में डाले थे नॉट फॉर सेल वाले जी 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 हाँ। अब अगर कोई लगाए रेट इसका तो दे देंगे, मेरा आस्किंग प्राइस 31,000 है। अच्छा, इसमें स्लाइटली नेगोशिएबल मैं कर दूंगा। देखिए क्वालिटी की चीज़ है, वो हिसाब से प्राइस है, हथियार की क्वालिटी हिसाब से देखिए तो कोई भी नहीं लगा सकते रेट जी, तो वेट कम रहता, लेकिन चीज़ हर चीज़ वेट से नहीं बिकती जी हाँ, सही बात, क्वालिटी बहुत मायने रखती, तो बहुत क्वालिटी में है बच्चा, मैं खुद भी बहुत शौक से लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 3 महीने से मेरे पास सेट है। और एक और बात पाशा भाई, हर विलायती के सिंह इस तरह नहीं आते ना? नहीं आते, अदंत पे बच्चे के हथियार ये थे,
जी, तो अभी भी अदंश पे ही काउंट कर सकते हैं इसको जी। मैं समझता हूं 2 से 3 दिन हार्डली 3 दिन। अब जैसा ये 4 दांत 6 दांत पे रहेगा तो ये हथियार और भी खुल के आएंगे ना, हो जाएगा बहुत एक्सट्रीम। अगर इसकी हयात रही, अगर और 1-2 साल अगर इन्हें रुक गया जी, तो फिर शहर में नहीं रहेगा बकरा, वैसे हथियार ही नहीं डालेंगे। तो बिना खींचे हुए विलायती के पहले तो खींचते नहीं हथियार जी हाँ, इसके भी खींचे हुए नहीं है, लेकिन इसकी थिकनेस अभी से ये है। ओके, तो माशाल्लाह बहुत एक्सट्रीम जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर माशाल्लाह मदुरई है और जो कि बहुत एग्रेसिव ब्रीड होती, और माशाल्लाह कम ही एज के है। दांत कितने हैं इसके? फ्रेश 4 कर रहा है, फ्रेश 4 पे है, और माशाल्लाह बहुत तेज, बहुत एग्रेसिव है। और ये बच्चे बाहर से आए से नहीं है, मैं कंटिन्यू मदुरई से गाड़ी मंगाता हूँ, अलहमदिल्ला सेल हो जाते हैं मेरे पास जी जी। मेरे को अपडेट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा यूट्यूब पे जी, तो ऑफलाइन में चले आते हैं। वेटिंग में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं मदुरई के लिए, खासतौर पर बड़े मेंढकों के लिए, तो अपडेट नहीं कर सक रहा हूँ। तो लास्ट वीक में भी मेरे पास एक लॉट आई थी 3 मेंढकों की, वो भी अलहमदिल्ला सेल हो गए। अभी ये लॉट आई, और ये हैदराबाद के सेट बच्चे हैं, ये हैदराबाद में ही पले हुए हैं ना ये बच्चे, उनका मैं आपको 3 मंथ से लेके अभी तक का रिकॉर्ड बता सकता हूँ। अच्छा, यानी हिस्ट्री है ऑलरेडी हैदराबाद। 3 महीने से, 3 महीने के थे ये लोग जब लेके ये लोग स्टार्ट करे थे पालना, तो अलहमदिल्ला ये एज तक ला लिए जी। ये 7 में पले हुए बच्चे। अच्छा, 7 के ही है, 3 महीने के थे जब से उन्होंने लेके पाले हुए। माशाल्लाह अपन उनके फोटोज वीडियोज एवरीथिंग अपन प्रूफ के साथ में देंगे। अच्छा, और एग्रेसिवनेस तो माशाल्लाह मदुरई में जितनी रहती है मैं तो कोई दूसरे मंडे में आज तक देखा नहीं जी। एग्रेसिव जिसको पसंद है आप देख सकते हैं, चिल्लों को मैं 2-2 फुटों से बात कर रहा हूँ जी हाँ, 2 फुटों पर है देखिए। और माशाल्लाह अपनी जगह पे रुकता नहीं जी, अपन जितनी दूर है उतनी दूर आके मारने की कोशिश में रहता। क्या वेट रहेगा इसका अप्रॉक्सीमेटली? इसका मैं सोचता हूँ 50 kg सही ना, तो एकदम 50 kg के आसपास बॉडी में है माशाल्लाह। और जिसके पास थे ना ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से पाले। अच्छा, 50 kg के आसपास लाइव वेट रहेगा। पे पाले सो है, खाली चुनी पे पाले सो नहीं है। मैं वो डाइट आपको नहीं गिना सकता हूँ, क्यों तो बहुत अच्छे से पाले ना, और मैं पर्सनली वो चीज़ देखा हुआ हूँ जी जी। और झालर वगैरह अच्छी है देखिए माशाल्लाह। मैं सिर्फ सिंगों में ड्रिल नहीं करवाई, क्यों तो हैदराबाद में क्या है ड्रिलिंग करने के लिए बहुत ये होता रिस्क है जी जी। तो लोगों के पास थोड़ा आइडिया रहता है, वहाँ से ड्रिल होके आते हैं, अपने पास अपन यहाँ पर ड्रिल करें तो टूटने का चांस रहता। अच्छा, तो इसके लिए मैं भी ड्रिल नहीं करवाया, अगर कोई बोलेगा तो करवा के दे देंगे, कोई बोले तो इंशाल्लाह अपन करवा के दे देंगे। ओके, क्या प्राइस फुट करा है इसका? इसका अपन 32,000 कोट कर रहे हैं, 32,000 आस्किंग प्राइस है, ये नेगोशिएबल भी रहेगा, स्लाइटली कर लेंगे। ओके, तो पीछे नेक्स्ट में आपके पास एक और मदुरई है, इसकी स्पॉटिंग देखिए आप लोग, माशाल्लाह अच्छी स्पॉटिंग के अंदर है। क्वालिटी और जो होता है जी, अभी रस्सी देखिए बनी हुई दिख रहे जानवर, वरना हाइट लेंथ और भी अच्छी दिख जाती है। तो जो इंटरेस्टेड रहे थे पर्सनली विजिट करके चेक कर ले और बेहतर रहेगा। अगर फोन पे अगर आप वीडियो में देख रहे तो समझ में नहीं आएगा जानवर जी। मैं बोलता हूँ हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी है, लेकिन विजिट करके देखना आप लोगों का काम। सिंगी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत शानदार, एक्सट्रीम क्वालिटी में है, और माशाल्लाह हैदराबाद में 3 महीने के बच्चे से इतना टाइम पाले है वो तो बहुत बड़ी बात है। झालर देखे माशाल्लाह, ये झालर खूबसूरती के लिए, हाँ वही, अगर सिंह में अगर ड्रिल होती ना तो जो अपने पास लास्ट और खराब ना होती हुआ था जी जी, सेम वैसी झालर दिखती थी। ओके, एक्सट्रीम क्वालिटी में है माशाल्लाह, ये भी 4 दांत फ्रेश कर रहा, 4 दांत फ्रेश कर रहा, बहुत एग्रेसिव भी है। एग्रेसिव शिप जो पसंद करते हैं उनके वास्ते वो तो देखते ही नहीं लेते हैं जी। क्या प्राइस कोट करें इसका? इसका 35,000 कोट कर रहा हूँ, 35,000 आस्किंग प्राइस, 35,000 आस्किंग है। इंशाल्लाह स्लाइटली नेगोशिएबल करेंगे इसमें भी अपन। ओके, अगर कोई लेके ईद तक अपने पास रखना चाह रहे हैं, ये मेंढे बाहर के मेंढे मैं लेता हूँ नहीं जी, और मेरे पास पलाई का ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन खासतौर पर क्यों तो ये मेंढे सेट है अपने पास जी, अगर कोई लेके रखना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह वो भी ऑप्शन दूंगा। ओके, तो अभी आपके पास में एक कर्नाटक है और इसी के साथ साथ एक मदुरई भी है, और माशाल्लाह ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है ना जी? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत रेयर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मदुरई में जी माशाल्लाह। अब नॉर्मली लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये मार्शाला है, नहीं ये मदुरई है, मदुरई है, क्यों तो डायरेक्टली मार्शाला के बाल जो रहते आपको दिख रहे होंगे कॉमन जी, मार्शाला के पीठ पे भी बाल रहते, हाँ पीछे से भी पूरा आते हैं जी। लास्ट टाइम अपन भी सेल करे मार्शाला, अपने पास तकरीबन माल सेल हुआ हुआ है जी हाँ, तो प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं मार्शाला की क्वालिटी का रहे। ये मदुरई है, मदुरई को सिर्फ हाफ बॉडी पे बाल रहे जी हाँ, यहाँ से तो झाला कटिंग करी भी नहीं है, कोई मेंढक को कटिंग करी भी नहीं है, नॉर्मल यानी कुदरती है, ये नेचुरल है, और इतने ही बाल है लोग जी जी, तो ये मेंढक को तो कटिंग करवाए नहीं, तो ये मेंढक की क्वालिटी यही है। अभी ये मदुरई है जी, और ये भी फ्रेश 4 दांत है, क्योंकि साथ में पले हुए हैं तीनों भी जी, ये भी 4 दांत पर है, शॉर्ट बॉडी में है लेकिन बहुत हैवी साइज में है। मैं समझता हूँ इसका भी लाइट वेट मैं समझता हूँ 50 kg इंशाल्लाह।
क्योंकि शॉर्ट साइज है, लेंथ कम है इसकी, लेकिन वेट बहुत भारी है। वेट में अच्छा है। क्या प्राइस कोट करें इसका? इसका 35,000, इसका भी आस्किंग 35,000। माशाल्लाह, ये भी बहुत अग्रेसिव है। बहुत अग्रेसिव है। मैं इन लोग को सबको इसके लिए दो दो खूंटे पे बांधते रहा। जी जी, तो बहुत अग्रेसिव होते हैं। फिर नेक्स्ट में आपके पास ये कर्नाटक है, ये भी है सेल के लिए? जी हाँ, सेल करेंगे। माशाल्लाह, क्वालिटी अच्छी है, देखिए माशाल्लाह, क्वालिटी एक्सट्रीम है। हथियार देखिए आप। मैं मेरे पास जानवर है बोल के मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं लाता है ऐसे जानवर के, देखे तो कोई देखना। जी हाँ, तो ये बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी में है। ओए ओए, आराम से आराम से, माशाल्लाह, लेग पीस बच्चा है, देखिए क्वालिटी एक नंबर में है। अंडा बंडा जो होता ना जी, कर्नाटक में प्योर क्वालिटी में जी। अदंती भी है ना, एक बार दांत बताइए ना। ये पूरे 8 दांत थे उसमें, क्या वेट होगा एक अंदाजा? आ जाएंगे आराम से 42-45 आ जाएंगे। और तो आप देखे हुए हैं। जी जी, माशाल्लाह बहुत अग्रेसिव है। फिर भी दांत बताइए ना एक बार पब्लिक के लिए। ये यकीन नहीं करेंगे, देखिए बारीक दांत बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल बारीक। मैं समझता हूँ सुमियान, हार्डली बहुत से बहुत बोलेंगे तो आप 8 महीने का होगा। 8 महीने का क्वालिटी एक्सट्रीम है, यहाँ से देख सकते हैं जी। इसके हथियार की क्वालिटी जी, एकदम जॉइंट हथियार कर दे रहा अभी से, और एग्रेसिव तो आप देखे हुए। पगड़ी बनी हुई है माशाल्लाह, कटिंग वटिंग करी हुई है, और अलहमदिल्ला मैं लेके आया तकरीबन 10 दिन हो रहा, 8 दिन हो गए ऑलमोस्ट जी। सेट हो गया अपने पास, चुन्नी पे चारे पे डिवॉर्मिंग हो गई इसकी, वैक्सीनेशन आप करवा लेना लेके अगर कोई ले रहा इंटरेस्टेड है तो। हाइट लेंथ बहुत प्यारी है, हाइट अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी चीज़ है। अगर कोई शौकीन देख रहे हैं तो एक नज़र में ले लेते। अच्छा, मेरे को इसके लिए, मैं मेरे चैनल पे भी अपलोड करा था पाशा पेट्स वर्ल्ड पे इसकी वीडियो जी, नॉट फॉर सेल बोल के अपलोड करा था। मेरे को बहुत कॉल्स आए जी, और ज़्यादातर मेरे को कॉल्स आए देखिए भोपाल से जी जी, जहाँ पे प्रोबिया में ज़्यादा काम होता, वो लोग बहुत प्रीफर कर रहे हैं जी। तो अगर अभी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड हूँ मैं सेल करने के लिए, अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है तो कॉल कर लिए, इंशाल्लाह दे देंगे। तो इसके लिए पर्सनली आप लोग कॉल कर लें पाशा भाई से। इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है अभी जी, अपन इतनी तारीफ करें तो प्राइस ज़्यादा होगा सोचिए, प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, एवरेज में रखा हमें 26,000 में दे देंगे। अच्छा, 26,000 आस्किंग प्राइस है, ये नेगोशिएबल भी रहेगा? स्लाइटली नेगोशिएबल कर लेंगे, अभी तारीफ करें तो लोग सोचेंगे बहुत महंगी चीज़ है, महंगी नहीं है। अपने पास जो भी चीज़ आती है अलहमदिल्ला रीजनेबल रेट में रहती और सेल हो जाती है। जी हाँ, क्वालिटी की रहती है, बोलते जल्दी सेल होती, क्वालिटी रहती है अलहमदिल्ला, क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपन। 1,000-2,000 मार्केट से बढ़ के होंगे मेरे हिसाब से जी हाँ, लेकिन चीज़ भी तो क्वालिटी की दे रहे हैं। नेक्स्ट में ये भी है सेल के लिए? नहीं, ये नहीं देंगे इसको। और ये तो आपका लकी है, जाना माना लकी है। ठीक है, चलिए तो इंशाल्लाह आप लोग बने रहिए, पाशा भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो भी वह इंटरेस्टेड रहेंगे कुछ भी जानवर समझ में आए तो प्लीज़ पर्सनली विजिट कर लें, चेक कर लें, और बेहतर रहेगा इंशाल्लाह, और वीडियोस बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।